आज हम लोग बात करेंगे डेट जानी का जोर के बारे में। इसे आपको अपनी डाइट में शामिल क्यों करना चाहिए, इसकी मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, तो एक एक करके आपके साथ शेयर करती हूँ। खजूर गुड़ों से भरपूर होता है, इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर सब कुछ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे एक सुपर फूड भी बोला जाता है। इसमें 70 से 80% फाइबर पाया जाता है जो आपको इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है और आपको भूख अच्छी लगती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, विटामिन सी, फोलेट और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करते हैं और बहुत सारी डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज के होने के रिस्क को कम करते हैं। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और खून बनने में मदद करता है। 100 ग्राम खजूर में लगभग 277 कैलोरी पाया जाता है, तो यह आपको एनर्जी से भरपूर रखता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसे लास्ट के फ्यू वीक्स में लेती हैं तो ये नेचुरल लेबर को इंड्यूस करता है और जो ड्यूरेशन है लेबर का उसको भी कम करता है, यानी कि डिलीवरी में कम समय लगता है। फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोन रिलेटेड इश्यू जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करता है। यह आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। डेट्स में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं यह एजिंग को कम करते हैं, यानी कि अगर आप इसे रेगुलर अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपको लंबे समय तक यंग देखने में मदद करता है। यह हेयर फॉल को रोकते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसमें पाया जाने वाला सोडियम बॉडी के जो फूड बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रेमेस्टर में वोमिटिंग के कारण पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, तो इसे अगर आप लेती हैं तो आपके पोटेशियम का लेवल मेंटेन होता है और फ्लूड बैलेंस में रहता है। इसमें फोलेट प्रेजेंट होता है जो प्रेगनेंसी में स्प्लीनो बेपिडा जैसे जो बर्थ डिफेक्ट है उनको प्रिवेंट करता है। आप 5 से 6 खजूर डेली ले सकते हैं। आप इसे दूध के साथ या फिर ऐसे भी जैसे आपको पसंद हो ले सकते हैं। इससे गुड़ और मिठाइयाँ भी बनती हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारी रेसिपीज में यूज किया जाता है। या नेचुरल शुगर भी है तो आप इसे चीनी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है तो ठंडे में इसे खाना और अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत महंगा नहीं आता है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप खजूर को ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।